नमस्कार दोस्तों, मिशन 178 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2018 टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में से मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के अंतर्गत सर्वाधिक लंबाई किस राष्ट्रीय राजमार्ग की है? तो इनमें से बात करना है। जैसे कि भारत की यदि बात की जाए तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। और एमपी में यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 3। इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है, टोटल जो इसकी लंबाई है 1161 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक गुजरता है? ये उत्तर प्रदेश के आगरा नगर से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक ये जाता है। और टोटल जैसे स्टेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर ये गुजरता है। अब बात करते हैं इसकी जो लंबाई है किस किस स्टेट में कितनी कितनी है। तो जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश में दिख रहा है तो उत्तर प्रदेश में आगरा के अंतर्गत जैसे 26 किलोमीटर, राजस्थान की यदि बात की जाए तो 32 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में देखें हम तो 712, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में कितनी है सेकेंड नंबर पर बोले तो 391। इस प्रकार टोटल मिलाए तो कितना हो रहा है? 1161 किलोमीटर यह टोटल यात्रा कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंखनाद योजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आदिवासी क्षेत्र के की विकास प्रक्रिया में विद्यालय को भागीदार बनाने के लिए इसका मतलब शुरुआत की गई है इसकी। आप इसके बारे में देखते हैं, जैसे कि जीवन में प्रत्येक विभाग, प्रत्येक पक्ष, चाहे वह मानव संसाधन हो, आर्थिक विकास हो या मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधा की उपलब्धता हो, इन सब में सुधार हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। और इस बीच में कई योजनाएं लागू हुई है और कई चल भी रही है, उनमें से शंखनाद भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये 1989 में स्टार्ट की गई और संशोधन भी किया जा चुका है। जैसे कि 1994 में इसे संशोधन किया जा चुका है। जैसे कि प्रदेश में प्रथम खेल नीति 1989 में बनाई गई और 5 वर्ष पश्चात क्या हुआ? मूल्यांकन कर उसे 1994 में पुनः नई खेल नीति बनाई गई संशोधन करके। और इस खेल नीति में प्रदेश के खेल के विकास के विभिन्न पहलू शामिल थे, परंतु उक्त नीति का कार्यान्वयन सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण पूरा नहीं हो सका। अतः नीति में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक था कि इस नीति पर पुनः विचार कर एक ठोस नीति बनाई जाए जो खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं की पहचान या कर सके और सार्थक हो अधिक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही थी, मलखम जो हमारा राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का, उसे कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये 2013 में घोषित किया गया। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है तो रस्सी और ये लकड़ी का जो खंबा रहता है इसमें करतब दिखाते खिलाड़ी, इसी को हम क्या बोलते हैं? मलखम। तो इसे 2013 में राजकीय खेल बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मलखम को राजकीय खेल घोषित करने का निर्णय कब लिया? 10 अप्रैल 2013 को लिया। इसे जो राज्य सरकार ने एक नई योजना मिशन ओलंपिक 2020 की शुरुआत करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत ओलंपिक 2020 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य के चुने हुए खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है। मिशन ओलंपिक 2020 योजना के तहत न्यूनतम 9 वर्ष की उम्र से दैनिक प्रतिभावान खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है और चयन किए गए खिलाड़ियों को स्वदेशी प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्ष और देश में चयनित प्रशिक्षण संस्थानों में 1 माह के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना है। और मलखम की यदि बात की जाए तो मलखम भारत के प्राचीन खेलों में से एक है। यह कम से कम समय में शारीरिक जो शरीर होता है उसके हर एक अंग की कसरत करने के लिए सुनिश्चित माना गया है। इसी कारण मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कैसे घोषित किया गया है? मलखम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा दक्षिण अफ्रीका से नहीं मिलती है? अब दक्षिण अफ्रीका की यदि बात की जाए तो ये हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में आप देख सकते हैं ये सबसे बॉटम पे आपको दिख रहा है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से बोला जा रहा है कि जैसे मोजाम्बिक है, जाम्बिया है, स्विट्जरलैंड है और जिम्बाब्वे, इनमें से कौन सा देश है जो साउथ अफ्रीका को टच नहीं करता है? तो पहला देखते हैं मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है दोस्तों, तो मोजाम्बिक आपको समझ में आ रहा है यहाँ टच कर रहा है। उसके बाद देखते हैं जाम्बिया, तो जाम्बिया ये है अलग, मतलब ये टच नहीं कर रहा। तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा? जाम्बिया होगा। अब देखते हैं और जैसे स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड आपको ये दिख रहा है, मतलब ये भी टच कर रहा है। और जिम्बाब्वे है नेक्स्ट, जिम्बाब्वे आपको कहाँ दिख रहा है? जिम्बाब्वे ये दिख रहा है दोस्तों। तो तीनों जो कंट्री है हमारी क्या इससे टच करती है। अब देखते हैं हम जैसे जाम्बिया है, तो जाम्बिया को कौन कौन सी कंट्री टच करती है? तो यहाँ देख सकते हैं आप कॉन्गो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो वाला कंट्री टच कर रहा है, तंजानिया टच कर रहा है यहाँ पे, मलावी टच कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं मोजाम्बिक भी से टच कर रहा है, जिम्बाब्वे भी, और यहाँ नामीबिया और अंगोला, इतनी कंट्री जाम्बिया को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विश्व की प्रमुख जल संधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब ये जो संधियां दी है, तो जैसे कि देखते हैं हम, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, राइट? ये कथन सत्य है। उसके बाद देखते हैं, बेरिंग जल संधि से होकर प्रधान यामियोत्तर रेखा गुजरती है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये कथन असत्य है और राइट आंसर भी हमारा यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बॉबल मंदे बास्पोरस व टॉरेस जल संधि महाद्वीप विभाजक है, ये सही है। उसके बाद देखते हैं, बास्पोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर का। तो बेरिंग जल संधि की बात करते हैं, तो बेरिंग की जो खाड़ी है, उत्तर पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी जो उत्तर अमेरिका को पृथक करने वाली एक खाड़ी है, यह खाड़ी दोनों महाद्वीपों को अलग, मतलब लगभग ये 800 किलोमीटर की समुद्री फैलाव से जोड़ती है। कुछ जल संधियों की बात करते हैं, तो आपके सामने यहाँ दिख रही है, आप इन्हें पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे कि देख लेते हैं कुछ है। जैसे मलक्का की जो जल संधि है, जैसे अंडमान सागर तथा चीन सागर को जोड़ती है, कहाँ पे है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के अंतर्गत। पाक जल संधि पाकिस्तान में ना होकर ये कहाँ पे है, श्रीलंका और भारत में, किस किस को जोड़ती है, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। सुंडा जल संधि जो है, जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया के अंतर्गत है ये। युकाटेन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरेबियन सागर, ये मैक्सिको क्यूबा में है। मैसिना की जल संधि जो है भूमध्य सागर के अंतर्गत आती है, इटली सिसिली में है ये। और ओरेटो जल संधि है एड्रियाटिक सागर और आयोनियम सागर, ये इटली और अल्बानिया के अंतर्गत है। बॉब अल मंडे वे हमने देख ली लाल सागर तथा अदन की खाड़ी, यमन जिबूती में है। उसके बाद देखते हैं, कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड के अंतर्गत है, उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप में। मोजाम्बिक चैनल ये हिंद महासागर के अंतर्गत है, मोजाम्बिक मालागासी। नॉर्थ चैनल की यदि बात की जाए तो ये कहाँ है, आयरिश सागर एवं अटलांटिक आयरलैंड के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब पर्वत श्रेणी दी है एक तरफ दी है उसकी संबंधित चोटी, मतलब ये कौन सी चोटी इनसे संबंधित नहीं है। तो देखते हैं पहली, जैसे काकेशस जो श्रेणी रूस में है उसकी जो संबंधित चोटी है वो एल्ब्रूस, ये राइट है। उसके बाद देखते हैं, आल्पस पर्वत यूरोप में है ये माउंट ब्लैंक, ये भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अलास्का साउथ संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसकी जो चोटी है माउंट मैकिनले, ये भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत माउंट मिचेल, ये माउंट मिचेल इसके अंतर्गत नहीं है। माउंट मिचेल कहाँ है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका में। जैसे कि देखते हैं, माउंट जो मिशेल पर्वत है उत्तरी अमेरिका में स्थित एप्लाशियन पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है और अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में स्थित है। इसकी ऊंचाई यदि बात की जाए तो 2037 मीटर इसकी ऊंचाई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि पहला ऑप्शन देखते हैं, सू नहर जो है सुपीरियर को होरून से जोड़ती है, ये ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कील नहर जो है उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बेलेन नहर ये इरी को ओंटेरियो से जोड़ती है, ये भी ठीक है। अब देखते हैं लास्ट, जो इरी नहर है वो इरी को सुपीरियर से जोड़ती है, ये गलत है। और राइट आंसर भी हमारा क्या होगा, फोर्थ नंबर का। अब इरी नहर जो है इरी झील को मिशिगन से जोड़ती है, ये इसका राइट आंसर है। और उसके बाद देखते हैं, मैनचेस्टर जो है मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर से लिवरपूल को जोड़ता है। गोटा नहर स्टॉकहोम से को गोटनबर्ग से। उसके बाद देखते हैं, स्वेज नहर जो है लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किसको जोड़ती है, कैरेबियन व प्रशांत सागर को। और उसके बाद देखते हैं, केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज का संबंध निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से है? जैसे कि बात करते हैं, मुंबई गोवा विशाखापट्टनम पारादीप, तो इनमें से ये विशाखापट्टनम से संबंधित है। विशाखापट्टनम की यदि बात की जाए तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के उत्तर में स्थित है। एक भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये, जिसे हम पोताश्रय भी बोलते हैं। यह है विशाखापट्टनम जिले का मुख्यालय तथा भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र भी है। यहाँ जलयान बनाने का कारखाना है। यह एक प्राकृतिक तथा सुरक्षित समुद्री बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि यहाँ जो रेलवे जोन है हमारे भारत के, टोटल हमारे कितने रेलवे जोन है, टोटल 17 है। तो 17 में से 4 दिए हमने हमने यहाँ पे, तो 4 में से बताना है कौन सा गलत है। जैसे कि दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में, ये ठीक है। उसके बाद देखते हैं, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, ये भी ठीक है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, ये भी ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं, पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल, ये भोपाल नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये जबलपुर है। मतलब जो पश्चिम मध्य रेलवे वो कहाँ है, जबलपुर में है।
तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये फोर्थ नंबर का। देखते हैं, पश्चिम मध्य रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है, इसे हम क्या बोलते हैं, लघु रूप में पमरू भी बोलते हैं इसे। और इसकी स्थापना की यदि बात की जाए तो 1 अप्रैल 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जबलपुर में है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप जितना अधिक शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा और जल्दी से जल्दी हम 1000 क्वेश्चन के किनारे आपके पहुंच रहे हैं और उनको कंप्लीट कराने में हम जरूर कोशिश करेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी प्रकार के वीडियो ढूंढने में आपको आसानी हो। और सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकॉन है, उसे क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है या फिर स्क्रीन पर आपको 4 वीडियो के लिंक मिलेगी, उन्हें क्लिक करके आप पिछले वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।